अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ चिकन दो प्याजा, तो चलिए बनाते हैं। चिकन दो प्याजा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। यहाँ पर 1.5 किलो चिकन ली हूँ मैं। ये 1.5 किलो है चिकन, मैं थोड़ा बड़े बड़े पीसों में ली हूँ। ये देखिए, बड़े बड़े पीसों में लेकर हूँ। 1.5 किलो चिकन है ये। 1 किलो प्याज, प्याज को मैं बारीक काट कर रख ली हूँ। ये पूरी 1 किलो प्याज है, 1.5 किलो चिकन और 1 किलो प्याज। मसाले बताती हूँ। नमक, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर कैप्सिकम, एक बड़ा वाला कैप्सिकम काट कर रख ली हूँ। कैप्सिकम, 2 टमाटर पिसे हुए, 2 टमाटर। यहाँ पर अदरक कद्दूकस करके रख ली हूँ। अदरक और लहसुन, इन दोनों को भी कद्दूकस करके रख ली हूँ मैं। पेस्ट नहीं है ये, कद्दूकस करके रखी हूँ। अदरक, लहसुन, कुटी हुई धनिया, धनिया पाउडर, यहाँ पर गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, दही और यहाँ पर थोड़े गरम मसाले, दालचीनी, जीरा, लौंग, हरी इलायची और बड़ी इलायची, ये भी हमें चाहिए। इतना सब चाहिए चिकन दो प्याजा के लिए, इतना सब मसाला चाहिए हमें। सबसे पहले कढ़ाई को रख लेती हूँ मैं। यहाँ पर गैस को ऑन कर ली हूँ मैं, अभी कढ़ाई को भी रख ली हूँ। इसमें तेल लेना है। तेल यहाँ पर तेल थोड़ा ज्यादा ही गया है, मैं 1 कप जितना तेल ली हूँ। आपको तेल कम चाहिए तो आप कम डाल सकते हैं, लेकिन इसे तेल थोड़ा ज्यादा ही जाता है। तेल थोड़ा गर्म होने देंगे हम। यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। बड़ी इलायची 3 ली हूँ मैं। जीरा, यहाँ पर 1 टीस्पून जितनी जीरा, दालचीनी के टुकड़े 4 से 5, लौंग 4 से 5, इलायची 6 से 7 इलायची, इसे भी हमें इसमें डाल लेना है। गरम मसाला अच्छे से गरम हो चुका है। अभी मैं इसमें प्याज डाल लेती हूँ। ये प्याज 1 किलो, 1.5 किलो चिकन है, 1 किलो पूरी प्याज में कट करके रख ली। इसमें आधी प्याज जाती है इसमें। मैं इतनी रखी हूँ, मुझे बाद में डालना है प्याज, ये इसीलिए मैं इतनी रख कर हूँ यहाँ पर। अभी इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है प्याज को, सिर्फ पकाना है प्याज को, ब्राउन नहीं करना है प्याज को। इसमें थोड़ा सा नमक लेती हूँ। प्याज में नमक डालने से बहुत जल्दी प्याज गल जाती है। यहाँ पर नमक 1/2 टीस्पून जितना मैं नमक डाली हूँ इसमें। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, प्याज को सिर्फ पकाना है प्याज को। प्याज अच्छे से पक चुकी है, बस हमें इतना ही पकाना है, इसे ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है प्याज को, प्याज को सिर्फ पकाना है। ये अच्छे से पक चुकी है। अभी यहाँ पर अब मैं चिकन को इसमें डाल लेती हूँ। ये चिकन 1.5 किलो जितना है, मैं थोड़ा पीसेस जरा बड़े कर हूँ। आप चाहे तो छोटे भी इसे ले सकते हैं। अच्छे से मैं मिला लेती हूँ प्याज को चिकन को। हमें 1 से 2 मिनट तक प्याज और चिकन को अच्छे से इसमें पकाना है। हमें चिकन को जब तक पकाना है, चिकन का कलर नहीं बदलता तब तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। इसका कलर अच्छे से बदलना है। इसका पानी भी अच्छे से सूख जाता है, तेल और प्याज में इसका पानी भी अच्छे से सूख जाता है। ये चिकन दो प्याजा मतलब बहुत से लोग को मालूम नहीं है ये। यहाँ पर चिकन का थोड़ा सा कलर बदला है और हमें इसे अच्छे से पका लेना है। देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया है। इसे और थोड़ा मैं पका लेती हूँ। चिकन तो दो प्याजा मतलब सभी लोग समझते होंगे चिकन या दो प्याज, नहीं दो प्याज नहीं। देखिए अच्छे से पक रहा है। चिकन दो प्याजा मतलब प्याज इसमें बहुत सारी जाती है, दो प्याज नहीं जाती। चिकन
दो प्याजा, मतलब प्याज बहुत नहीं, बहुत जाती है, थोड़ी नहीं जाती, इसमें प्याज ज्यादा डालना। और ये खाने में इतना ही टेस्टी रहता है, ये ग्रेवी बहुत टेस्टी रहती है। आप रोटी के साथ, रुमाली रोटी के साथ, नान के साथ ले सकते हैं इसे, चावल के साथ भी इसे ले सकते हैं। ग्रेवी इतनी टेस्टी रहती है, इतनी टेस्टी रहती है। इसे देखिए, ट्राई कर कर देखिए, जिसे नहीं आता है ये, वो ट्राई कर बनाकर खाकर देखिए, आपके घर में सभी को पसंद आएगा ये। हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए। देखिए चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, अच्छे से ये पक रहा है। अभी मैं इसमें दूसरे मसाले भी लेती हूँ, अभी यहाँ पर मैं दूसरे मसाले भी लेती हूँ। यहाँ पर लहसुन कद्दूकस करके रख ली हूँ मैं। लहसुन इसमें ऐसे ही डालना, अगर आप ऐसे नहीं पीस कर डालना चाहिए, पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें लहसुन ऐसे ही जाता है। एक दो टीस्पून लहसुन, अदरक भी ऐसे ही है, सेम टू सेम अदरक भी कद्दूकस करके ली हूँ। ये अदरक डेढ़ स्पून जाती है इसमें, बस डेढ़ टीस्पून। इसे भी मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। अदरक लहसुन हो गया है, अभी मैं इसमें दूसरे मसाले भी डाल लेती हूँ। धनिया पाउडर, यहाँ पर डेढ़ टीस्पून जितना धनिया पाउडर ली हूँ मैं, और भुना कुटा हुआ धनिया, धनिया पाउडर भी डालना है, ये धनिया भी, सारा धनिया भी डालना है, धनिया भुना कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च यानी के चिली फ्लेक्स, हल्दी यहाँ पर पाव टी स्पून जितनी हल्दी, इसी के साथ ही लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ पर डेढ़ टी स्पून ले रही हूँ। आप देखकर डाल लेना, आप तीखा नमक देखकर आप डाल लेना। अब इसे भी, इन मसालों को भी अच्छे से मिला लेती हूँ। मसाले डालते रहना, आप मिलाते हो तो आपका चिकन भी जल्द से जल्द पक जाएगा। अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। अभी यहाँ दूसरे मसाले भी लेती हूँ, ये मसाले डाल चुकी हूँ इसमें। यहाँ पर दो टमाटर, दो टमाटर ली हूँ, मीडियम साइज के हैं दो टमाटर, इसे भी डाल लेती हूँ इसमें। यहाँ पर दही, दही मैं एक कप ली हूँ दही, क्योंकि ये चिकन डेढ़ किलो है, इसीलिए मैं मसाले थोड़ा ज्यादा डाल रही हूँ। अगर आपके पास आधा किलो या पौना किलो चिकन है तो एक टमाटर डालना, एक कप से आधा कप दही डालना, इसमें से मसाले पूरे आधे आधे कम कर लेना, अगर ज्यादा है तो इसे बढ़ा लेना फिर से। इसे भी अच्छे से चिकन के साथ, मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इसे और एक मिनट हमें पकने देना है। अब यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ, मैं पहले भी चिकन में नमक डाली हूँ, प्याज में, प्याज और चिकन में डालकर मैं ये करी हूँ प्याज में। अभी मैं यहाँ पर और नमक ले रही हूँ, नमक आप देखकर अपने हिसाब से ले लेना। अभी इसे मैं एक मिनट तक अच्छे से मैं पका लेती हूँ, क्योंकि दही भी डाली हूँ, टमाटर भी डाली हूँ, इसीलिए इसमें पानी की जरूरत ही नहीं है, पानी डालने की जरूरत, दही में पानी है, टमाटर में है, हाँ प्याज भी पानी छोड़ता है, ये सब ग्रेवी के लिए काफी है। बस एक मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से पका लेती हूँ। यहाँ पर एक मिनट हो गया है, अभी यहाँ पर मैं गरम मसाला और यहाँ पर कैप्सिकम एक सारा बड़ा ली हूँ कैप्सिकम, इस कैप्सिकम को इसमें डाल लेंगे। और यहाँ पर गरम मसाला आधा टीस्पून जितना गरम मसाला है, ये आखिर में ही डालना है, इसे डाल लेंगे थोड़ा सा इसे मिलाकर। देखिए मैं थोड़ा भी इसमें पानी नहीं डाली हूँ, पानी इसमें ही आ जाता है, पानी अच्छे से दही का, टमाटर का, चिकन भी पानी छोड़ता है, प्याज भी पानी छोड़ता है। ये देखिए अभी मैं इसमें, यहाँ पर प्याज बचा कर रख ली थी मैं, प्याज एक किलो में पाव किलो जितनी, अभी इसके ऊपर इसे भी मैं डाल लेती हूँ। अभी इसे एक से दो मिनट के लिए और हमें इसे पका लेना है।
हो गया है। अभी एक से दो मिनट के लिए मैं ढककर इसे रख देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसे पका। ये देखिए माशाल्लाह पक चुका है, माशाल्लाह खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है। ये तैयार हो गया है, मैं आपको निकाल कर अभी बताती हूँ। इसमें मैं थोड़ा भी पानी नहीं डाली हूँ, पानी इसमें ही, दही टमाटर ये सब इसमें ही छूटा है पानी। अभी ये हो गया है, गैस को कर लेती हूँ बंद, अभी मैं निकाल कर आपको बताती हूँ। यहाँ पर तैयार हो गया है, अभी मैं निकाल कर आपको बताती हूँ। माशाल्लाह खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है इसमें। मुझे रोटी से, चावल से, नान में बहुत पसंद आता है। अभी मैं ये आपको खाकर बताती हूँ। माशाल्लाह इतना इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है। ये देखिए आज मैं चिकन दो प्याजा बनाकर बताई हूँ, मैं खाकर भी बताई हूँ आपको। माशाल्लाह बहुत बहुत टेस्टी है, खुशबू तो सारे घर में है, खुशबू इतनी प्यारी खुशबू। जिसे नहीं आता वो जरूर से बनाकर खाइए, जिसे आता है वो भी देखिए, देखकर बनाकर खाइए, सभी को पसंद आता है। आपके घर में गेस्ट आते हैं तो उन्हें बनाकर दीजिए, ये अलग सा रहता है, टेस्ट भी अलग सा है, अच्छा भी लगता है। इसे जरूर से बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।